बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? यस, फिर पढ़ने लगे हो आप लोग? यार बस करो, इतना पढ़ के क्या करना है। चले पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज 4.6 निकाले। आज बहुत बहुत अहम क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन जितने भी पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के जितने भी पार्ट, 7 क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट हैं, वो तमाम कहीं ना कहीं प्रीवियस क्लास में आप प्रैक्टिस कर चुके हो। उसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है कि मैं आपको, लेकिन जब भी आपके कोई कमेंट्स आएंगे इंशाल्लाह उसको भी हम करेंगे। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम क्वेश्चन, सबसे अहम पार्ट, वो मैं आज आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, बुक ओपन करें। कर लिया? यस। 4 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और उसके ये तमाम के तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके तमाम मेथड्स हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की आपने स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी, इसे 3 स्टेप में आपने करना है। पहला स्टेप जो है वो कॉमन स्टेप होता है, जिसमें हम लोगों ने उसे सम और प्रोडक्ट निकालने होती है गिवन इक्वेशंस के, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखें, पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि वैसे मैं वर्बली आपको बताता जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, किसकी रूट्स है? स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है ax² + bx + c = 0, यानी कि हमें फंसाया गया है, कोई न्यूमरल्स नहीं दिए है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए हैं, और उन्होंने कहा कि ये तो हो गई। आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसकी रूट जो है वो 1/α³ / 1/β³ है। इट्स अ टेक्निकल क्वेश्चन। कॉमन स्टेप जो इस एक्सरसाइज में हम लोग कर चुके हैं, जब भी कोई रिक्वायरमेंट आई है रूट्स के लिहाज से, ये स्टेप आपने याद रखना ही है। ax² + bx + c = 0 इज अ गिवन इक्वेशन आ गया। इसका सम ऑफ द प्रोडक्ट और सम ऑफ द रूट्स α + β - b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज अ कांस्टेंट ऑफ अ कोएफिशिएंट ऑफ अ एक्स स्क्वायर, यानी कि c/a आपने निकाल लेना है। इस क्वेश्चन में और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में फर्क ये था कि ये जो इक्वेशन है गिवन, ये थोड़ा सा अल्फाबेट इनके डिफरेंट थे, लेकिन ये कि चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कुछ ना कुछ बचत हो गई हमारी। पहला कॉमन स्टेप बहुत आसान, 1 मार्क्स है। अब आगे जनाब 3 मार्क्स के लिए आगे चलते हैं। अब हमने स्टेप नंबर 2 है रिक्वायरमेंट में जाना है। रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि जो रूट्स उसने हमें कहा है उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सम और प्रोडक्ट आपने माय डियर स्टूडेंट इस लिहाज से करना है कि उसको इस तरह मॉडिफाई करना है कि सिर्फ यही 2 वैल्यूज इसका हिस्सा बने, यानी कि इसकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करें, इसके अलावा नहीं करना। ये जेहन में रख के चलना आपने क्वेश्चन को। तो लिहाजा 1/α³ + 1/β³, कॉमे की जगह आपने प्लस लगा देना, जिस वजह से कॉमा प्लस लगा दिया, एलसीएम ले लिया, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। α³ β³ डिफरेंट है, β² + α³ आ गया। अब यहां तक तो मुझे बड़े आराम से मैं पहुंच जाऊंगा, क्योंकि 1.5 मार्क्स मैं ले ही लूंगा। अब वहां स्टूडेंट जो α³ + β³ का फॉर्मूला आता है वो एक स्टेप आगे आ जाएगा। नहीं, वीडियो में नहीं, एक स्टेप मुझे मारने के लिए एक स्टेप आगे आना। एक स्टेप का मतलब है कि उन्होंने प्रीवियस जो है लर्निंग को यूज करना है। फॉर्मूला अगर नहीं है तो α+β (α²) - α β + β²। α³ + β³ में प्लेन है, जो इसका साइन होगा वो इसका साइन होगा, और फिर इसके बाद ऑल्टरनेट साइन होंगे अल्फा, और हर एक टर्म जो है अपनी 2 पावर रखेगी। बहरहाल ये हाई लेवल की बात है, ये मुझे भी नहीं समझ आती, बहरहाल आप बस यही समझ लें। α³ और β³ को आप इंडेक्स लॉ के मुताबिक α β³, यहां तक भी हम पहुंच, ठीक हो गया। α+β की वैल्यू मेरे पास है, α β की वैल्यू भी है, यहां भी α β की वैल्यू है, बट वेयर इज द α² + β? इस α² और β² को ब्रेक करना है हमने α+β और α β। अब आप देखें, ये है हमारी प्लानिंग, ये है वो वर्किंग जो आपको इस क्लास में नजर आएगी। जो मैंने कहा कि ये क्वेश्चंस बहुत अहम है सिर्फ इस वजह से, α² - β² + α β + β² को तो मैंने लिख लिया, इसे आपने पॉजिटिव बनाना है मिडल टर्म को, -α β। इफ यू रिमेंबर α² + 2α β + β² आइडेंटिटी है α + β² के,
जो ही अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आएगा मैं उसकी वैल्यू लगाऊंगा। तो इसके लिए आपने 3 अल्फा बीटा ऐड और 3 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब क्यों करना है वही जो मैं पहले आपको बता चुका, ये अल्फा बीटा माइनस और ये 3 अल्फा बीटा प्लस जो आपने खुद इसमें ऐड किया है, इन दोनों को आप अगर सिंप्लीफाई करें तो ये प्लस 2 अल्फा बीटा आता है ना, यस, प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2। इसकी बजाय आपने ये लिख लेना 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 में कन्वर्ट हो गए। ये माइनस 3 अल्फा बीटा बेचारा मासूम है, इसको वैसे का वैसे पड़ा रहने। अब प्लस वाला इसलिए किया कि मुझे अल्फा प्लस बीटा ये वाला फॉर्मूला चाहिए था इसका स्केयर, तो ये मेरे पास एक फॉर्मेशन बन गई, अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्केयर माइनस 3 अल्फा बीटा। और नीचे बेचारा उसको मत छेड़े, अल्फा बीटा होल क्यूब लिख लें। एक स्टेप और आगे चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा सेम वैल्यू है, नहीं डिस्टर्ब करना। अल्फा स्केयर प्लस बीटा, 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्केयर इक्वल टू अल्फा बीटा होल स्केयर माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा होल क्यूब। अब जो मैं तो नहीं जीनियस, जिस तरह मेरे जैसे जीनियस हो यहां से डायरेक्ट यहां जंप भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो वैसे ही पढ़ने के लिए आए हैं, बस एक एक स्टेप हमने जस्टिफाई करना। अब ये तमाम रॉ मटेरियल हमने इकट्ठा कर लिया, अल्फा प्लस बीटा को अब मैंने कलर चेंज किया, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर, राइट, ठीक, माइनस 3 माइनस 3 अल्फा बीटा अगेन सी ओवर ए, अल्फा बीटा सी ओवर ए क्यूब। अब ये देखें, ये तमाम का तमाम चीज जो है अल्फा बीटा जो है वो दोबारा आर्बिट्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया, यही आर्ट है, यही आर्ट उन लोगों ने आप उसे चेक करना। अब सिंप्लीफिकेशन, फिर एक अलग ट्रैक, सिंप्लीफिकेशन आप लोगों की मुझसे ज्यादा अच्छी है। आ गया माइनस माइनस प्लस, यहां माइनस ना लगा दीजिएगा, तमाम मेहनत को खराब ना कीजिएगा, बी स्केयर ओवर ए स्केयर, अब मैं बीटा और ए अल्फा नहीं बोलूंगा, बी स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस 3 सी ओवर ए, एंड दिस वन इज एलसीएम ले लीजिएगा, ब्रैकेट यूज की है, अल्फा स्केयर एलसीएम सारा ब्रेक किया, कोई ऐसी कुछ नई चीज नहीं है कि आपको बताएं, क्योंकि एलसीएम 7, 8, 9, 10 पता नहीं कौन कौन से ग्रेड में यही सीखते आ रहे हैं। अल्फा स्केयर ए स्केयर और ए को आपने ए क्यूब से सिंप्लीफाई कर दिया, रेस्ट माइनस बी इन टू, यानी इसको माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस बी क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 ए बी सी और ए सी क्यूब डिनोमिनेटर में आ गया। देख लो इस स्टेप्स को सारा, मैं इधर आ जाता हूं, माइनस बी क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 ए बी सी और डिनोमिनेटर में सी क्यूब आ गया। ये मेरे पास आगे क्या, हाँ सम, ठीक। अब जाना है हमने प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बेचारा बड़ा आसान है, मासूम है आप लोगों की तरह, 1 ओवर अल्फा क्यूब इंटू 1 ओवर बीटा क्यूब, 1 से यहां एलसीएम मत ले लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, अल्फा क्यूब से मल्टीप्लाई होगा और 1 ओवर अल्फा क्यूब अल्फा बीटा होल क्यूब, अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दें। जाना हमने इसी के घर में है, कॉमन स्टेप, जब मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं तो कॉमन का मतलब है तमाम चीजों में इसी को तरफ जाना है आप लोगों ने। आ गया डबल ब्रैकेट डबल इन्वर्टर ए स्केयर ओवर सी क्यूब आर, दिस इज स्टेप नंबर 2। नाउ आखिरी एक नंबर इज अ फॉर्मूला, वाई स्केयर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0। y टर्म दे दिया, आप x स्केयर भी लगा सकते हो, हमें कोई त्रास नहीं है, चूंकि बुक में है तो मैंने भी वो लगाया, पहले मैंने x स्केयर ही लगाया था। s स्टैंड फॉर द सम एंड p स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट, सम हमारे पास दिस वन माइनस बी क्यूब प्लस 3 ए बी सी और ए क्यूब, ये s की जगह वो वैल्यूज लगा दें, दिस वन ये देखो ये s की जगह, y को ब्रैकेट के साथ बाहर है क्योंकि टर्म ज्यादा है और बाहर साइन है तो ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, अगर सिंगल टर्म होती तो फिर मैं ब्रैकेट ना लगाता हूं। प्लस पी, पी कहां गया जनाब, दिस वन इज द प्रोडक्ट पी ए क्यूब ओवर सी क्यूब, बाय मज़ाहिर तो यहां तक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि फ्रैक्शनल फॉर्म से सी क्यूब हमारा एलसीएम आता है, आपने सी क्यूब को एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद
आपके लास्ट टर्म जो इक्वेशंस में आती है इज ए सी क्यूब वाई स्क्वायर माइनस इनटू माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी इनटू वाई प्लस ए क्यूब इक्वल टू जीरो। तो ये एक अच्छा और बेहतरीन पार्ट था। इसके साथ एक वो भी है माइनस वन अवर अल्फा क्यूब और कॉमा माइनस वन अवर बीटा क्यूब, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और एक्सरसाइज को खत्म करने की दुआ करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टे इन टच और हाफिज़।